वन गुड मॉर्निंग। और ये एक वीडियो की क्लिप आप देख चुके हैं ना, तो ये सारी तैयारी हो रही है क्योंकि मेरे घर पे मेरे कोई गेस्ट आने वाले हैं उनके स्वागत के लिए। कि हमारे घर में कोई आने वाला है तो मम्मी कितनी ही जल्दी से काम कर रही है, क्योंकि वो मम्मी की खास है ना। तो फिर वो बोलेंगी कि मुझे करना है। तो देखो मम्मी कितनी जल्दी जल्दी काम कर रही है, एक फोन में लगी है, एक एक हाथ सब्जी में लगा है। वीडियो अपलोड करने रखी है, इतना फास्ट काम कर रही है ताकि वो आए तो काम की ना कहें कि हो गया तो मैं कर रहा हूँ। वो आएगी ना तो वो लग जाएगी काम में, इसके लिए उसके आने से पहले मैं फटाफट से कर लूँ। और उनका नाम तभी पता चलेगा तब वो आएंगी घर में। सरप्राइज है, कोई आने वाला है मेरे घर पे दिवाली में। और तो आज फटाफट से काम में लगी हूँ और सारा काम घर का हो चुका, बस ये खाना है सब्जी दाल बना के फटाफट से जा रही हूँ मैं बाथरूम में, क्योंकि रोटियां वगैरह पूरी वगैरह वो मैं बाद में बनाऊंगी और नाश्ते की तैयारी भी करनी है। हाय गुड मॉर्निंग, और दिवाली के दूसरे दिन की ये वीडियो है। सो अभी है ना सब्जी बन रही है, आलू गोभी की सब्जी, दाल बन चुकी है, राइस एंड रोटी बाकी है, और फिर शाम का खाना उनकी मर्जी से बनेगा, मैं अभी फटाफट वाला बना रही हूँ। सो कौन आ रहा है वो आपको बाद में पता पड़ेगा, अभी नहीं, थोड़ी सी सरप्राइज है और सब लोग एक्साइटेड है उससे मिलने के लिए। अभी है ना आपको बाद में क्लियर पता पड़ेगा, पहले मैं फटाफट से फ्री हो जाती हूँ क्योंकि टाइम नहीं है बिल्कुल भी मेरे पास। तो फाइनली मेरे जो आने वाले थे ना गेस्ट वो आ चुके हैं और मैं जा रही हूँ अभी उसको लेने अपनी स्कूटी पर। तो फटाफट से स्कूटी स्टार्ट करती हूँ। तो मैं फटाफट से ना अभी स्कूटी से जा रही हूँ क्योंकि हमारी कार है ना वो स्कूल पे है, घर पे नहीं है। तो मैंने सोचा कि जय अकेले उनको बाइक पे लेकर आएंगे, सामान भी है काफ़ी चीज़ें हैं, तो फिर मैं स्कूटी लेकर चली गई और चौराहे पे वो लोग आ चुके हैं। तो मैंने कहा कि चलो मैं उन लोगों को लेकर आती हूँ फटाफट से और आपको वहीं चल के मिलवाती हूँ कि कौन है वो, क्योंकि आप लोग भी सोच रहे होंगे आखिर ऐसा कौन आ रहा है जो दीदी इतनी ज़्यादा खुश हैं। तो ये है मेरी फ्रेंड कानपुर ब्लॉगर नियति, ये इसके चैनल का नाम है, आप लोग सर्च करिएगा। और बस यही मेरे मुझसे मिलने आई थी, मेरे घर रहने वाली भी है कुछ। आई आई इसको लेने आई थी मैं, कह रही है मेरा शहर है तो यहाँ कौन सा नहीं जानता मुझे। अभी मैंने देखा, मैंने कहा बोल दी सर क्या कर रहा है। मैंने कहा भैया दो चक्कर करेंगे, चल इससे बढ़िया मैं भी चलती हूँ। सही बात अच्छी बच्ची है। तो मैं इतनी तैयारी करके गई थी और अभी देख रहे हैं आप सब मेरा किचन कितना फैला हुआ है। तो अभी मैं फटाफट चाय की तैयारी कर रही हूँ, आधा खाना पीना मेरा रेडी हो चुका है, आधा बनाना बाकी है, लेकिन उससे पहले हम करेंगे चाय। चिंता ना कर, सारा काम करवा लीजिएगा फिर। हम लोगों की खातिर ये देखो पकौड़ियाँ बन रही है, साथ में चाय बन रही है, और देखो खुशी देखो बदला तैयार है। बदला खुशी नहीं होगी, हम लोग पता है दो साल से बात कर रहे हैं। वहाँ पे आप चलोगे ना बहुत सारी जगह है घुमाने वाली, आपको घुमाऊंगी। यहाँ तो नहीं है, बस मथुरा है बस, वहाँ जाने में थक जाएंगे। वहाँ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बिठूर हो गया, सुधांशु आश्रम है, और जेके टेम्पल, बहुत सारी जगह है। जब आएंगे तब चलेंगे। हाँ बहुत सारी जगह है, लेकिन देखो दो साल से हम लोग है ना बस आपस में बातें करते रहते थे। मैं ऐसे काम करती थी, फोन पे बात करती थी, आज ये फोन के पीछे खड़ी है। सही बात है, सोचा भी नहीं था कि मैं आऊंगी यार, कभी नहीं सोचा था। क्या सोचा था कि ऑनलाइन में इस तरह से दोस्ती होती है, बता, कभी नहीं सोचा था। वैसे भी मेरे साथ ऐसा ही होता है, बस इस रिश्ते करते हैं, बाहर वाले प्यार करते हैं, इस रिश्ते को नजर ना लगे। देख मेरी आदत है दो कप बनाने की, दो ही कप बने है। अच्छा मेरे से चाय हमेशा ज्यादा बनती है, मेरा रिकॉर्ड है। तो तू मुझे बोलेगी ना कि चाय बना दे, हाँ तो दो ही कप बनेगी, फिर वो कोई रह जाएगा ना, अभी रुक जाएगा।
अच्छा मैं अगर चाय बनाने बैठूंगी ना तो मेरे हे राम नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं अगर चाय बनाऊंगी तो दो लोग तो एडजस्ट हो जाएंगे आराम से। मेरे रिकॉर्ड है तो ही देख की आदत है, हम चाय बनाने बैठे नहीं दोनों, वो दो कप बनाएंगे मैं दो कप बनाएंगे, चाहे तीसरा हो तीसरा भी है। हैबिट में आ गया है, टिश्यू पेपर रहने देती है ना, सॉस वगैरह रखूं कि चले कुछ नहीं चाय है ना। ये हो गई नाश्ते की प्लेट रेडी, पता है किसके लिए, मैंने उनका नाम क्या रखा है, क्या बोलते हैं उनको, भुक्कड़ बोलते नहीं, पेटू राम, पेटू राम के लिए आ जाओ। कहाँ गए वो, पहुंच गए अपने बैग में, वो लेटे होंगे जाके। अरे नहीं मैं वो लेके आ रही ना, टेबल लेके आ रही, मैं टेबल लेके आ रही हूँ। कैसा लग रहा है आपको आके? आपका स्वागत हो रहा है, पकौड़िया चाय। अच्छा लग रहा है, ये तो बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है, पता नहीं चल रहा है कि अनजान आदमी। हाँ ये तो है, लगा ही नहीं, लीजिए तो फोन पे जानते ना केवल। आराम से भी बैठिए बिंदास, बिल्कुल टेंशन फ्री होके, मैं और सेक के लाती हूँ फिर मैं भी आती हूँ। अब आप खाओ, अब हम जाते हैं किचन में। लगा दिया इसको भी अपने साथ काम पे। अब जो हमारे यूट्यूबर हमको जानते हैं ना वो बोलेंगे अरे ये नियति वहाँ कैसे पहुँच गई। तो अभी मैं नियति के हस्बैंड, उनका नाम है आकाश, तो उनको मैं चाय नाश्ता देकर आई हूँ और यहाँ पर मैं फिर से पकौड़ियाँ बनाने आ गई। तो मैंने आपसे वीडियो में स्टार्टिंग में कहा था ना कि उसके आने से पहले सारी तैयारी कर लूँ, नहीं तो वो आते ही मेरे साथ किचन में लग जाएगी। तो देखिए बोलती है दीदी पहले आप चाय पी लो, पकौड़ियाँ मैं सेकती हूँ। अरे हम दोनों में बहस हो रही है कि तू हट जा मैं करूँगी, वो बोलती है दीदी आप हट जाओ मैं करूँगी। तो यहाँ पर हम दोनों ने मिल बाँट के काम किया और नाश्ता पानी किया, फिर हमने पूरे दिन काफ़ी बैठकर आराम से ना बातें बातें की, इंजॉय किया। यानी बहुत कहते ना कि जो दोस्ती का रिश्ता है ना वो हर रिश्ते से ऊपर होता है, उस रिश्ते का कोई नाम नहीं होता, वो बेनाम रिश्ता होता है लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा दिल से जुड़ा होता है ना कि हम बता नहीं सकते। तो नाश्ता वगैरह करके खाना पीना खा के फिर ना हम लोग जाएंगे स्कूल पे, क्योंकि नियति बोल रही थी दी मुझे आपका स्कूल देखना है, वीडियो में देखा है रियल में देखना है कि कैसा है, क्योंकि और ना नियति को गाँव बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चल मैं तुझे गाँव घुमा के लाती हूँ। तो ये नियति की बेटी है, हम लोग पता है टेम्पो में आए थे, नियति बाइक पर आई थी क्योंकि हमारी कार है ना वो स्कूल पर ही रखी थी, तो फिर हम लोग आते कैसे, तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अपने स्कूल पे। बनाई थी घुमाने लाई हूँ इसको अपने स्कूल पे। तो पता है कौन है ये? कौन है बता दो भाई कौन है, हम बता दिया एक बताएंगे वीडियो में बताएंगे। क्या क्ले ओहो मेरे क्या हो रहा भाग, अरे पहली बार खेत मिला उसको। आलू डालेंगे, आ जा जल्दी जल्दी हेमंत यहाँ पर ना बच्चे ले रहे थे गांव के मजे, क्योंकि नियति की जो बेटी है ना उसने इस खेत वगैरह नहीं देखे तो उसको बहुत मजे आ रहे थे। उसके बाद हम लोग है ना बस ऐसे ही जैन को दिखा रहे थे सारी चीजें जो पुश्तैनी है उनकी, और हमारे जो काका बापू हैं यानी जो हमारे पूर्वज हैं वो सब, यानी होता ही है ना कि कोई आता है तो लगता है कि चलो थोड़ा बैठते हैं बातें बातें करते हैं, तो यही सब चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद फिर हम लोग सीधे घर जाएंगे और घर जाते ही ना देखना नियति क्या करेगी, मेरे घर पे जिठानी की बेटी आई है ना मंजे, तो उसकी बेटी को खिलाने में उसने, तो यहाँ पे ना मंजे की बेटी को खिला रहे हैं ये लोग, बहुत ही प्यारी है, आप लोगों को तो पता ही है कि कितनी प्यारी है, उसको जो भी पहली बार देखता है ना तो उसका ही हो जाता है। मैंने बनाई है मंजे की, ऐसे मैंने पूछा मैंने कहा बाहर से लाई है कि बनाई, बोले बनाई है मेरी जिठानी ने, बड़ी अच्छी बनाई है। हले भाई बहुत अच्छा बनाया, बहुत ही अच्छा बना दिया, देखे जा रही है कितना अच्छा बना दिया है, कितना अच्छा उसकी गोद में देखिए कितना जो बना रही है, बोलने के लिए कर रही है, बोलने के लिए आज आज हम ले ले थोड़ा सा, हम ले ले हम ले ले, ऐसे रहेगी बस कंधे पे लिए रहो तो रहेगी, टाटा कर दो टाटा।
अभी इतना नहीं जानती है, साढ़े चार महीना की हुई है। बाजार जाके सब्जी मिल जाती है, बोल दो उससे सब्जी। गप्पी सी बिल्कुल, लड्डू है लड्डू, खाली बस चेहरे पे गाली गाल है और कुछ नहीं है शरीर में। वजन बिल्कुल नहीं है, 5 किलो वजन भी नहीं है इसमें। ऐसे लगती है चाइनीज नहीं। हाँ बेटा बोल रही है, मोबाइल लोगे इच में मोटू पतलू देखना है। ये लो देख, देख मोबाइल पकड़ो, देख कैसे पकड़ लेगी। ए हाँ पकड़ पकड़ो पकड़ो पकड़ लो पकड़ लेगी। हाँ अब मजा आएगी तो छुड़वा ले, और छुड़ा लिया तभी रोएगी। नहीं लो नहीं करना, करोगी क्या करोगी जुजू पोती करोगी, करेगा बाबू चूचू पोती कर ले कर लेगा छाई में। अले भाई चूचू पोती कर लोगी आप तो बोल रही हो कि कर लेंगे। हाँ अच्छे बोला। अले भाई कितने कष्ट पड़ गए, तूने उसको जमीन पे क्यों लेटा दिया, सॉरी सोफे पे क्यों लेटा दिया। अले भाई इनको लेटाओ नहीं और ऐसे ही रखे रहो हमेशा। ओले भाई बात कर रही है मेरे से फुर फुर करके। अरे मैंने इसको कितना बातों नहीं किया था, 3 महीने पे शुरू कर दिया था इसमें बात करना। लगती है बाबू हाँ क्या लेना ये सब फैलाना है, सब सामान लेना है, ये लेना है। आज आज भगया भगया खुशी देखो इनकी पीछे फोटो दिख रहे हैं ना, खुशी देखो इनकी खुशी। खुश कितनी है ये, इसको ले लो तो देने का मन नहीं होता गोद में से। खुश मम्मी के मना करे भी देखा? ये गलत बात है, मैं मारूंगी बहुत तेज मारूंगी, तुझसे बहुत बड़ी हूँ मैं। देखो मुझसे छुप के मुझे बिना बताए मार्केट गई, वहाँ से देखो मोलू के लिए कपड़े लेकर आई है। क्या मेरे लिए भी लेके आएंगे, मैं उधर गई मुझे दिख गया दुकान में। हाँ तू दिख नहीं गया, तू दिमाग में करके गई होगी पहले से। ठंडी देखा इसने कितना खर्चा करके आई, पता है मैं और भी चीजें दिखाऊंगी, ये वहाँ से क्या क्या लेकर आई है। और मोलू के लिए ना छोटे, उसका साइज पता नहीं पड़ रहा था ना, तो यहाँ हमारे वहाँ पे इसने कस्बे में आके कपड़े खरीदे। अब बताओ ऐसे रिश्तेदार को मैं दोबारा बुलाऊं, मेरी नाक कटवाएगी, मेरी इज्जत खराब करेगी। बस करो देखो मोलू को, देखो मोलू की खुशी कितने मजे आ रहे हैं। अच्छा सोच ले फिर तेरी बाबू मेरी साइड आने में देर नहीं लगेगी। अच्छा लग रहा है मुझे अच्छा लगना चाहिए। हाँ बताऊंगी, तुम भी चले जाना आंटी के घर, चले जाओगे? मुझे अच्छा लगना चाहिए, बस काम खत्म। देखो मैं पूरे कपड़े पहनाओ तब दिखाएंगे फिर। ये लो बाबू, ये राजा बेटा, मैंने बोला था ना ले आऊंगी, ले आई ना आप खुश। अब आंटी को किसी कौन देगा, मेरे को किसी देगा क्या। अले भाई हाँ भाई लेके आई हूँ मोमोज, ये लो मोमोज। बिल्कुल फिक्स आए नहीं अति, बिल्कुल फिक्स आए, इसको तो एक साइज बड़ा लेना पड़ेगा। इसी साल में छोटी हो जाएंगे, छोटे हैं बेटा, छोटे हैं। देखो भैया कितनी तेज तेज तोड़ रहे हैं, और आप देख लो एक ही एक डाल नहीं टूट रही है। मैं टेस्ट मैच का खिलाड़ी हूँ, लंबी रेस चल। सही बात, 20-20 किस्मत। तो मैं किचन में काम कर रही थी और जय ने उनको लगा दिया यहाँ पर अपने साथ मेथी तोड़ने में, तो जय तो करते ही है सारी चीजें, तो उनको भी लगा के रखा। और नियति यहाँ पे कर रही है वीडियो शूट, तो आप बताइएगा आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, मेरे फ्रेंड्स कैसे लगे। तो कानपुर ब्लॉगर नियति इसके चैनल का नाम है, आप लोग चाहो तो सर्च कर लेना, देख भी लेना। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, अब आपके लिए और भी अच्छे व्लॉग आएंगे क्योंकि कल हम लोग जाने वाले हैं कहीं घूमने के लिए, तो वो व्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करना।